स्टोमेटो माउंटिंग के लिए सबसे पहले हमें जो बीतल नेट है, पान जिसे कहते हैं, उसे लेकर कट करना है। जो पतला पोर्शन रहता है उसे लेकर ये जो सैफ्रन स्टेन है उसमें 2 से 3 मिनट तक डुबो के रखना है, ठीक है, ताकि स्टोमेटा जो है रंगीन होकर क्लियरली दिखाई दे सके। उसके बाद उसे हम स्लाइड्स पे रख के, स्लाइड पे रखकर हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तो हमें स्टोमेटा की साफ दिखाई देगी। हो गया, फोकसिंग हो गया। अभी जो है उसको ये करो, स्टोमेटा को देखो, दिख रहा है, ठीक है।